हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। त्यौहार आ चुके हैं तो आज हमने बनाए हैं बहुत ही कुरकुरे नमक पारे जो आपको पसंद आएंगे और इसको करीब आप एक महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सूजी से बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों। पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो कई लेयर वाले हमने बनाए हैं तो चलिए बनाने चलते हैं। तो यहाँ पर लिया है हमने 1 कप सूजी। सूजी अगर आपकी मोटे वाली है तो आप उसे ग्राइंड कर लें। और इसमें 4 से 5 चम्मच लिया है हमने मैदा। मैदा की जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। 1 स्पून लिया है जीरा और 1 स्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या है, ये तीखा रहता है तो काफ़ी टेस्ट आता है। और 1 स्पून ली है हमने कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप ज़रूर डालें, क्रश करके डालना है। और 1/2 स्पून लिया है हमने अजवाइन। अजवाइन को भी क्रश करके ही डालना है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर उभर कर आता है। तो सभी मसालों को ऐड कर लेंगे। 1 स्पून लिया है हमने नमक। नमक डाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा आप जैसा ही खाते हो। और 1 स्पून लिए है सफ़ेद तिल, इससे काफ़ी अच्छा टेक्स्चर उभर कर आता है। और 1/2 स्पून लिया है हमने गरम मसाला। 2 चम्मच लिया है हमने यहाँ पे ऑयल डालकर अच्छे से इस सबको मिक्स कर लेंगे। जब आप इस तरह से नाश्ता बनाएंगे दोस्तों, ये नमक पारे बनाएंगे तो बहुत ही आपको टेस्टी लगेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो आप ले, हल्का सा गुनगुना कर ले इस पानी को, क्योंकि सूजी की मात्रा इसमें ज़्यादा है। और इसका जो हमें आटा लगाना है थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है, बिल्कुल टाइट नहीं लगाना। और जब हम इसको डो को लगाकर छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही टाइट हो जाएगा, क्योंकि सूजी फूलती है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट ही हमने इसका डो तैयार किया है। तो करीब इसको हमें 1/2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो अच्छे से हमें इसको बिल्कुल रोल करके इसको 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट हमें इसे ऐसे ही रगड़ना है। तो हल्के से हमने इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के बिल्कुल डो बना लिया है। और इसको ढककर अब हम छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि सूजी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाएगी। यहाँ पर मैं कपड़ा ढक दूँगी इसके ऊपर। तो अभी करीब 7 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो सूजी अच्छे से फूल चुकी है और आटा हमारा हो गया है टाइट। तो अभी थोड़ा सा इसको और रगड़ लेंगे, लेकिन जो इसमें क्रैकल है वो हमें ज़्यादा ख़त्म नहीं करने हैं। सूजी में बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होती है सूजी, तो थोड़ा सा इसमें जो लाइनिंग है वो रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे ही ये जो नमक पारे हैं बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं दोस्तों। और त्योहारों का समय है, दीपावली आने वाली है, आप इसे पहले ही बना कर रख लें। और जब कोई गेस्ट आए आप इसे सर्व कर सकते हैं। सभी आपसे पूछेंगे कि कहाँ से बनाया है आपने, तो हम 2 तरीके से बनाकर दिखाएंगे यहाँ। जो भी तरीका आपको पसंद आए आप वो यूज कर ले। तो हल्का सा ही हमने इसमें ऑयल लगा लिया है और हल्का सा बेलन पर भी लगा लिया था, तो इसको हल्का सा बेल लेंगे। बहुत ही मतलब ईजी उससे बेलना है, ज़्यादा दबा दबा के नहीं प्रेस करना है, हल्के हाथों से ही हमें इसे इसका थोड़ा पतला आकार कर लेना है। जैसे रोटी बेलते हैं उस तरह से ही हमें इसे बेल लेना है। इस कचरी की दोस्तों ख़ास बात ये है कि आप इसे स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, एयर टाइट डिब्बे में रख ले तो इसका कुरकुरापन भी नहीं जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होती है। ऐसे ही कोई कट करने के लिए आपके पास कोई कटोरी हो या कुछ, ये मेरे पास ग्लासी थी, मैंने उसको ले लिया है, तो उसी से हम इसको काट लेंगे। एक ही तरह का शेप्स होना चाहिए। शेप्स आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, सेब से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ अलग सा डिज़ाइन हो तो सभी को पसंद आता है, वो तो यूनिक लगता है, तो सभी पूछते भी है कि आपने कहाँ से बनाना सीखा है। तो साइड से इनको निकाल लेंगे सभी को, तो हल्का सा साइड से निकाल देते हैं। तो अभी मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ किस तरह से इनका हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो बीच में से हमने इसको काट लिया है और यहाँ से साइड से हल्का सा रोल करेंगे इस तरह से। इस तरह से क्या होगा, इनकी कई लेयर बन जाएगी
और हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले ना। तो ये देखने में भी सुंदर लगते हैं और खाने में भी बहुत ही बेहतरीन दिखते हैं। जब आप इन्हें सर्व करेंगे चाय के साथ, आप इन्हें टी टाइम में यूज कर सकते हो। सूजी वैसे भी हेल्दी होती है दोस्तों, सूजी का यूज हमें ज़रूर करना चाहिए अपने खाने में। तो इसी तरह से हमने दूसरे को भी बना दिया है। अभी मैं आपको एक तरीका और दिखाऊंगी, वो इससे भी आसान तरीका है, उसमें आपको रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीच में से इसको कट कर लेते हैं और साइड से इस तरह से मोड़ देते हैं। एक पार्ट इधर से उठा के मोड़ेंगे और एक इधर से, इसके नीचे दबा कर इस तरह से। तो इस तरह से भी एक डिज़ाइन बन जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप फट से इसे तैयार कर सकते हैं इस तरह से भी, और या फिर ऐसे ही जैसे मैंने गोल राउंड करके बनाया है वैसे ही आप उसे भी कर सकते हो। तो सभी को वन बाय वन करके हम इस तरह से बीच में से कट करते चले जाएंगे और पहले सारा तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो कितना देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो सभी का डिज़ाइन हमें इसी तरह से बना देना है। एक और मैं आपको रोल करके दिखाती हूँ। वाओ, तो इस तरह से जो रोल वाला है वो इस तरह से घुमाना है और जो सादा है उसे दोनों पार्ट को उठा के एक दूसरे के नीचे दबा दे। तो सभी को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अभी हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। जब आप इन्हें डीप फ्राई करें तो गैस को लो टू मीडियम पर कर लें, ताकि ये धीरे धीरे सिकेंगे तो बहुत ही कुरकुरे बनेंगे और जैसे जैसे ये ठंडे होते चले जाते हैं वैसे ही इनका जो कुरकुरापन है और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है और आपके कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। तो सभी को अलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है, जब तक कि इनका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इन्हें निकालेंगे। तो इस तरह से आप ये नमक पारे बना सकते हैं दोस्तों। बहुत ही हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और कम समय में काफ़ी टाइम तक आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हो। तो इसी तरह से हिलाते डुलाते हुए हमें इन्हें डीप फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है, अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो हल्का सा इस तरह से करें, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो यहीं पे निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो कितनी आवाज़ कुरकुरी आ रही है, बहुत ही कुरकुरे बनते हैं दोस्तों ये। तो सभी को निकाल लेना है और जो बचे हुए हैं हमारे नमक पारे उसको भी हम इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल भी बहुत ही कम जाता है इनमें, ज़्यादा ऑयल नहीं पीते हैं ये। तो सभी को हमने अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो कितनी कुरकुरी आवाज़ आ रही है, अभी हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। वाह, सुपर, हमारे नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं और झट से करीब हमने दो चीज़ों से इन्हें बना लिया है। घर की ही बेसिक चीज़ें हैं, तो आप भी बनाएं और इस त्यौहार पे एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सुपर, बहुत ही बेहतरीन बने हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।